नॉर्मल टिक्की तो हर किसी ने खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको अंबाला की एक ऐसी लच्छेदार टिक्की दिखाने वाली हूँ जिसे दिल्ली में लच्छे वाले आलू के साथ तैयार किया जाता है, और उसको बनाने का तरीका इतना अलग है कि खाने के लिए लोग हमेशा लाइन लगा के खड़े रहते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसी इनवेल्स की यूनिक मेकिंग और क्या इसका टेस्ट। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। ये कौन से आलू है एक बार दिखाना। ये आलू के लच्छे हैं सर, हल्का अरारोट लगाते हैं। भाई अरारोट तो मैंने सुना है कि थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। बिल्कुल हेल्दी, कोई नुकसान नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर को अपने आलू पहले बॉईल करते हैं, फिर इसको कद्दूकस करते हैं, फिर उसमें स्टफिंग भरते हैं, मूंग की दाल, हरा मटर जो ये आपके सामने है, और उसमें खड़ी धनिया से हम लोग फ्राई करते हैं। ये हमारी स्पेशल लच्छा टिक्की है, ये अंबाला फेमस है। मैम मुझे बताओ अंबाला की चीज को दिल्ली में कैसे लेके आ गए आप? बस मैम इच्छा हुआ कि दिल्ली वालों को कोई अलग चीज टेस्ट कराया जाए। तो ये जो भी आप कर रहे हो इसको फुल फ्राई करके रख रहे हो या हाफ फ्राई? ये हाफ फ्राई करके रखते हैं। ये जो पत्ते रखे हुए यहाँ पे इतने सारे, आए कहाँ से? हरिद्वार से मंगाते हैं। जैसे वो सब चीज है वो नुकसान होता है, इसलिए ये शुद्ध पत्ता है, इसे गाय भी खा जाती है और वैसे कूड़े में भी फेंक जाता है। तो इसको बोलते क्या इस टिक्की को? आलू लच्छा टिक्की। मैम 8 बजे के बाद में भीड़ लगती है। मैम तो ये जो आपने इतनी सारी टिक्कियां बनाई है ये आज बिक जाएंगी? ये तो 1 घंटे का काम है, इसीलिए हम पहले इसे हाफ फ्राई करके रख लेते हैं, जैसे कस्टमर मांगते हैं हम साथ के साथ उसको फुल फ्राई करके बना के दे देते हैं। तो ऐसी बनती रहेंगी टिक्कियां जी? इसको खाने का और नॉर्मल टिक्को खाने में दोनों में क्या अंतर है? अब जैसे आलू मेस करके हम बनाते हैं और ये लच्छे में ज्यादा ये कुरकुरी ज्यादा बनती है। मैम वैसे तो सबको वैसे टिक्की पसंद आती थी, लेकिन जब से ये खाने लगे सब लोग तब से वो टिक्की उतना कोई ध्यान ही नहीं देता। तो आपने अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा दिए, आप लोगों की दुआ है ये हम लोग थोड़ा चल गया काम। तो ये हमारी 2 टिक्कियां यहाँ पे डल गई है लच्छे वाली। तो भैया क्या इसको बिल्कुल क्रिस्पी करा जा रहा है? जी 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 मैम। तेल कौन सा रहता है? ये हमारा वनस्पति तेल है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कोई बचा हुआ तेल इस्तेमाल कर? नहीं 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 मैम, सारा फेंक जाता है और शाम को बचता ही नहीं है। मैम कुछ जो इसका रेट है 80 रुपए, लोग क्या कहते हैं जायज है ना जायज? जायज है, जायज बोलते हैं सब। ये हमारा पत्ता है, इसमें हम स्पेशल टिक्की बनाते हैं। तो पूरा चूरा करना पड़ता है इसका? बस हल्का तोड़ दिए, बस इसमें दही चटनी, ये अमचूर की पेवर बनती है, इसमें काजू है, मगज है, केला है, और हमारी ये फुल फेंट की दही है, ये हमारी हरी चटनी, और ये हमारा पनीर है, और फिर उसके बाद में हम प्याज भी डालेंगे जैसे जिसको पसंद है प्याज। ये हमारी चटनी है, ये हमारी हरी चटनी है, ये हमारी दही है। ये तो फिर गाढ़ी गाढ़ी दही है। जी जी जी। फिर इस पे आ गया ये मसाला, फिर ये हमारा पनीर, फिर ये थोड़ा सा प्याज। ये हमारी अंबाला की फेमस टिक्की, 40 रुपए रेट है। भाई इतना मैंने कुछ सुना था कि अंबाला की फेमस होती है और दिल्ली में आ गई है, मेरा मन था कि यार एक बार ना इसको देखने के लिए इसको खाने के लिए जरूर आया जाए। यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हो यार, कितनी ज्यादा क्वांटिटी बन रहा है मुझे यकीन नहीं हो रहा। भैया कह रहे हैं यार ये तो सिर्फ ना 1/4 है, अभी तो मैं ऐसी 10 बार टिक्कियां बनाऊंगा इतनी सारी। 40 रुपए की बस ये प्लेट है जिसमें एक टिक्की मिलती है आपको अलग अलग चटनियों के साथ। बात और ज्यादा नहीं करी जा रही क्योंकि भाई पहले इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि इसका स्वाद कैसा होने वाला है, ठीक है? ये जो हरिद्वार के हमारे फेमस पत्तल होते हैं ना जो मैंने आपको हरिद्वार में दिखाए थे, उसको सर्व किया जाता है। तो टिक्की ली गई है, उसके ऊपर चटनी डाली गई है, अमचूर की चटनी है, दही डाली हुई है, हरी चटनी डाली हुई है, बहुत ही मजेदार तरीके से बिल्कुल ट्रेडिशनल पत्तलों में इसको रेडी करा हुआ है। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के यार टाइम वेस्ट बिना करे हुए ये अभी तक का बेस्ट है, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं मानती हूँ लच्छे वाली टिक्की एकदम क्रिस्पी होती है, लेकिन उसमें जो चटनियाँ डली हुई है ना उसका स्वाद बहुत ज्यादा बेहतरीन आ रहा है। मेरे चेहरे पे जो स्माइल आपको दिख रही है ना उससे पता चल रहा होगा कि कितनी ज्यादा मजेदार है। मुझे 40 रुपए टोटल वर्थ इट लगी। मेरे कहने पे ना कृष्णा नगर शॉपिंग करने आ रहे हो नहीं आ रहे हो लेकिन ये टिक्की खाने जरूर आना। 4 बजे से रात के 11 बजे तक रहते हैं ये कृष्णा नगर लाल क्वार्टर मंदिर मार्ग पिंक बूथ के पास में अलंकार शॉप के बाजू में इंदिरा नगर। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मैं यहाँ पे इसको एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना है तो भाई मेरी तरह खाते रहिए।